नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग को लेकर संसद में हंगामा, सोमवार तक लोकसभा स्थगित। राहुल बोले, घबराए हुए छात्र, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की मांग, नियम 267 के तहत हो चर्चा। नीट पेपर लीक पर विपक्ष को शिक्षा मंत्री का जवाब, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा चर्चा से नहीं भाग रहे हैं, सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में कांग्रेस पर बीजेपी का निशाना, सुधांशु त्रिवेदी बोले विपक्ष सवाल जवाब नहीं बवाल चाहता है। दिल्ली एयरपोर्ट के हादसे को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का मोदी सरकार पर निशाना, पीएम मोदी से पूछे कई सवाल, कहा भ्रष्टाचारी मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे पीएम। संसद में हंगामे को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला, बोले विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, सदन को गिरवी रखना चाहते हैं। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने की नीट को खत्म करने की मांग, पीएम को लिखी चिट्ठी में कहा पुरानी व्यवस्था हो लागू, राज्य सरकारें कराएं परीक्षा। राजस्थान के झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से जुड़े नीट पेपर लीक के तार, मेडिकल कॉलेज के 10 छात्रों को हिरासत में लिया गया, 8 छात्रों को छोड़ा, 2 से पूछताछ जारी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली बड़ी राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन घोटाला केस में दी जमानत, 31 जनवरी को रांची में ईडी ने किया था गिरफ्तार। आज दिल्ली आ रहे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार, कल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, लोकसभा चुनाव परिणामों की हो सकती है समीक्षा। भारी बारिश से दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, टर्मिनल 1 की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत, 6 घायल, कई कारें दबी, अस्थायी तौर पर रोकी गई उड़ान, मृतकों के लिए 20 लाख रुपए और घायलों के लिए 3 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान। दिल्ली एयरपोर्ट की घटना पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी का निशाना, बोले उम्मीद है DGCA इसका संज्ञान लेगा, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, देश को बताने की जरूरत है। घर पर काली स्याही फेंकने को लेकर AIMIM सांसद ओवैसी का बयान, कहा ऐसे हमलों से डरने वाला नहीं, दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, आज स्पीकर से भी शिकायत की। जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ शिव भक्तों का पहला जत्था, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी, यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन तेज, 5 आतंकियों की संपत्ति कुर्क, बारामूला में 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुर्क की संपत्ति। दिल्ली में हुई बारिश से हालात खराब, मिंटो रोड, ITO, मूलचंद अंडरपास पानी से भरा, कई इलाकों में ट्रैफिक जाम, लोगों की बढ़ी परेशानी। दिल्ली के शाहदरा के पास विवेक विहार में अंडरपास में भरा पानी, पानी में कई गाड़ियां फंसी, ऑटो को पानी में छोड़कर भागा चालक। दिल्ली का सफदरजंग इलाका पानी से लबालब भरा, कारें ट्रक पानी में डूबे, समूचा इलाका पूरी तरह से जलमग्न। दिल्ली में बारिश के बाद हादसों का दौर, रोहिणी सेक्टर 18 में सड़क में कार धसी, पुलिस ने पीली पट्टी लगाकर सुरक्षा घेरा बनाया। कांग्रेस नेता शशि थरूर के घर में जमा हुआ पानी, मोटर लगाकर की जा रही है पानी की निकासी, लोगों को करंट लगने का खतरा। दिल्ली में समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव के घर में भरा पानी, लोगों ने उठाकर रामगोपाल को कार तक पहुंचाया, बोले देर से हुई बारिश फिर भी NDMC तैयार नहीं। दिल्ली में जल भराव को लेकर बीजेपी सांसद रामवीर सिंह भिदुड़ी का केजरीवाल सरकार पर निशाना, बोले दिल्ली सरकार विफल रही, पानी भर रहा है, केजरीवाल सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। गाजियाबाद में भी बारिश के साथ हुई दिन की शुरुआत, तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद सुहाना हुआ मौसम, लोगों को गर्मी से मिली राहत, कई जगह जल भराव। गुरुग्राम में भी झमाझम बारिश, लोगों को प्रचंड गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग का दावा अगले 2 दिन हो सकती है भारी बारिश। कोलकाता में बारिश की वजह से रिक्शा पर गिरा पेड़, रिक्शे में बैठे शख्स की हुई मौत, बारिश से बचने के लिए रिक्शे में बैठा था व्यक्ति।